नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो जो होगी फूड से रिलेटेड, फूड रेसिपी आज हम कोई नई ट्राई करेंगे। और आप जैसा कि देख रहे हैं कितनी अच्छी लोकेशन है ये बैगुल नदी पे, और ये काफ़ी विशालकाय नदी है, इसकी गिनती बड़ी नदियों में आती है। और बारिश के दिनों में यहाँ पानी भी ठीक ठाक हो जाता है। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे, बिल्कुल देखने लायक। आज हम बनाएंगे पिज्जा आमलेट। ऐसी रेसिपी है जिसके बारे में आप अगर इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो थोड़ा आपको कम ही मिलेगा। और आइए चलिए मिलते हैं अपने बाबा स्नूप डॉग। तो क्या बना रहे हैं आज? अंडा पिज्जा। अंडा पिज्जा, आहा, मतलब आमलेट और पिज्जा। तो इंतजाम सारा ही कर लिया है। ये देसी चूल्हा तो देखिए इनका, आहा, चूल्हा दिखाइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये चूल्हा बनाया कैसे आपने? पत्थरों के लाए, नदी में से निकाला। अच्छा अच्छा, इसी नदी से लेके आए हैं? इसी नदी से पास। अच्छा अच्छा, तो नदी किनारे वगैरह इधर ये वो तो नहीं आते, मगरमच्छ वगैरह आ जाते हो पीछे से? वो तो रह ही रहे हैं। अच्छा अच्छा, होते हैं यहाँ? वो तो हर जगह ही है, विशाल का नदी है, हो तो सकते हैं। तो चलिए भाई, क्या क्या लेके आए हैं दिखाइए रेसिपी में। और भी ये पिज्जा बनाने के लिए देख सकते हैं आप, ये लगभग 20 जो है एग लिए हैं, टमाटर है, प्याज है, शिमला मिर्च है, नींबू है, और जो भी मसाले हैं। और ये देखते हैं आप कैसे बनती है। और ये देखिए स्पेशल चूल्हा बनाया गया है ये बनाने के लिए। आइए देखते हैं कैसे बनती है। ये टमाटरों को ऐसे काट लेना है स्लाइसिस में, क्योंकि हमारा पिज्जा आमलेट है तो इसमें थोड़े अलग तरीके से टमाटर पड़ते हैं। इसको भी ऐसे ही स्लाइस में जैसे टमाटर काटते हैं ऐसे ही काटना है, इस टाइप से। साथ में ये हरी मिर्च भी थोड़ी सी, दो तीन हरी मिर्च काटनी, ज्यादा नहीं। और इसमें लाल मिर्च का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा। बहुत जबरदस्त बनता है, आज खाएंगे तो बताएंगे आपको कितना मस्त बनता है। देख सकते हैं आप, जल रहा है, देसी चूल्हा है। ओह, सोहन लाल भैया की पूरी टेक्निक है इसमें, लकड़ियां लाने में इनका काफी योगदान रहा है। और ये हमारे शिमला मिर्च देख सकते हैं आप, इसको भी वैसे ही काटना है जैसे टमाटर और प्याज को काटा था स्लाइसेस में। अच्छा, रिंग बनाना है इनका, रिंग। तो आप तो अक्सर ही आ जाते होंगे इधर ही? हाँ, घूमते रहते हैं, मजा लेते हैं आराम से जिंदगी, क्योंकि व्यू तो यहाँ बिल्कुल बहुत ही अच्छा। और चूल्हा दोस्तों हमारा तैयार हो चुका है और काफी स्टाइलिश चूल्हा है, पत्थरों के सब पूरा ये जिससे पूरा बना दिया है। हाँ भाई, क्या बात, बहुत बढ़िया। इसमें ये अंडे देख सकते हैं, तोड़ लेने इसमें अंडे। ये इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, इसलिए इसमें थोड़ा स्वाद आया, थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा स्वाद अनुसार नमक जाएगा इसके अंदर। ये देखिए, तो अच्छे से मिक्स कर देना है। जैसे ही पैन गरम हो जाए इसके अंदर जाएगा बटर, बटर नहीं देसी घी है। ये देखिए, इसमें स्लाइस वाले प्याज ऐसे करके डाल देंगे। टमाटर भी ऐसे डाल देना,
भाई शिमला मिर्च। मेरे तो देख के मुंह में पानी आ रहा है भाई। और इसको एक बार ऐसे करके पलट देना है जिससे कि दोनों तरफ से अच्छा से पक जाए। पिज्जा में कभी मजा आएगा जब ये दोनों तरफ से पक जाए, फिर इसके अंदर जाएगा अंडा। इसको बहुत धीरे आंच पे पकाना है, तेज पे नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। बिल्कुल धीरे धीरे। हाँ फटक रहा तो आज तो पानी आ रहा होगा मुंह में। सोल्ला लोग काफी दिनों बाद मिला है मौका मारने को है। अभी तक तो आप ड्रग्स ही ले रहे थे, आवाज लोगे पिज्जा। हाँ अभी तो ड्रेस में चल रहे थे। सुशांत कपूर है कौन है वो ड्रेस में सब सबको। और ये धीमी आंच पर प्रोग्राम जारी है भाई। मैंने तो पहले कभी खाया नहीं है और आज ये लोग सब मिलकर बना रहे हैं, तो आज देखते हैं कैसा बनेगा। अब ये देख सकते हैं हमारा पिज्जा रेडी है बिल्कुल। इसके चार पीसेस कर लेंगे। दोस्तों ये पिज्जा आमलेट बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हम पिज्जा की तरह काट लेंगे, देख सकते हैं स्लाइस में, चार स्लाइस में, चार में नहीं छह में भैया, नहीं तो आएगा नहीं ये मुंह में। ये तो है बड़ा तो है पीस काफी। अब इसमें हम थोड़ा सा अपना जो मसाला है वो मसाला, और ये अपना इसमें नींबू। ये देख सकते हैं अपना नींबू जाएगा इसमें, और इसका स्वाद बैगन बहुत बढ़िया हो सकता होता है। ये देखिए बिल्कुल ओहो, ये देखिए बिल्कुल पिज्जा की तरह है। और खाने में लगभग खाने में पिज्जा से कम नहीं होता है। ये देखिए पानी आया कुछ। अब इसका हमारे सोनलाल भाई टेस्ट लेंगे, आप देख सकते हैं। ओहो पिज्जा आमलेट कैसा लग रहा है? पानी आ रहा है। चलिए भाई स्वाद खा के बताइए। मजा आ गया यार कभी। बिल्कुल ओह आ आ एक बार जरूर बनाए। अच्छा अरे गरम खा लिया भैया आपने। भगा भग अरे भगा भग खा रहे हो क्यों? मजा आ रहा है। आप भी ट्राई लेंगे देखो ना। अभी लेंगे ट्राई। ओ जानी जानी पिला दे पानी, मजा आ गया। एक बार जरूर बनाए घर पे, ट्राई तो जरूर ले। अच्छा और दोस्तों काफ़ी अच्छी डिश है और आप इसे घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से बिल्कुल अलग हटके डिश है, और बिल्कुल कहीं से भी इसे देखने में ये लगता नहीं कि ये पिज़्ज़ा नहीं है। और जो लोग अंडा वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं खाने में उनके लिए ये बिल्कुल इतनी बेहतरीन डिश है, इससे और बहुत स्वादिष्ट होती है खाने में। दूसरा कि इसमें जो भी चीज़ें इसमें पड़ रही हैं तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी बॉडी को नुकसान दे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत दर्शक है यहाँ। पिज्जा आमलेट के इंतजार में, लेकिन इन्हें सिर्फ खुशबू आई। ज्यादा कुछ नहीं आएगा।